सबसे पहले मैं तीन अंक वाली संख्या डिसाइड करूंगा। एक तो होता है 100, एक दो तीन डिजिट, डैश 99, ये तीन अंक वाली संख्या। यहाँ मुझे पता है मुझे एपी बनाना आना चाहिए, तो यहाँ मैं इधर 5 जोड़ दूंगा, 105। 7 से डिविजिबल बोल रहा है बेटे, 7 से, तो मेरी एपी इसमें 7 जोड़कर बनेगी 112, 119। मैंने क्या करा बेटे, बच्चों 119 मैंने इधर 5 प्लस करा, तो पीछे से मैं 5 माइनस करूंगा। ये रूल नियम नहीं है, लेकिन मुझे पता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसमें 4 आना चाहिए लास्ट में, तो 5 लेस करने पर ही आएगा। कब आएगा, यहाँ मैंने 5 को प्लस करा बच्चों, और यहाँ मैंने 5 को माइनस, केवल इस सवाल के लिए, कोई नियम नहीं है, ये एक तरीका है, ठीक है, इट इज नॉट नियम। यहाँ 105 और वहां पर 100 में मैंने 5 जोड़ा, अब मैंने ये 112 कैसे आया, उसमें 7 जोड़कर, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, फिर 119 भी ऐसे आया, ठीक है। अब मुझे ए पता है बच्चों, ए कितना 105, डी मेरा आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, 112 माइनस 105 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, डी तो 7 ही है। एन मेरा कितना है 994, एन ज्ञात करना है बेटे, इसका एक नंबर है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रहे, और जैसे फार्मूला लिखा है इसका आधा नंबर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई कमजोर बच्चा है उसको ये सवाल समझ नहीं आता है, तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कम से कम फार्मूला लिख के आओ, आधा नंबर देगा, लेकिन गणित में आधा नंबर नहीं होता, मार्कशीट में एक नंबर, वही सभी सवाल आपसे छूट रहा है, उसका फार्मूला याद है तो आंसर लिखकर उसका फार्मूला जरूर लिखकर आओ, तो 10-15 नंबर अपन जुटा सकते हैं। चलो एन मेरा कितना है 994, ए कितना है 105 प्लस एन, एन मुझे ज्ञात करना है, ये कितना है बच्चों 7, प्लस का 105 इधर आएगा, माइनस का 105, अब मुझे पता है, लेकिन आप अच्छे से घटाना, 889 इसमें से इसको घटा है, एन माइनस 1 इंटू 7, 7 का इधर गुणा, 889 बटे 7, एन माइनस 1 काटा तो 127, माइनस का 1 इधर आया, 127 प्लस 1 एन बराबर 128। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।